नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस खबर का इंतजार सभी को था, वो खबर फाइनली आती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया की Q3 की जो GDP ग्रोथ का नंबर है वो यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से अच्छे नंबर जो है देखने को मिल रहे। तो क्या इस नंबर के दम पे अब बाजार दौड़ेगा? जीडीपी का नंबर यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है, अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में जीडीपी जो है 8.4% से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जो दर है वो बहुत ही शानदार है, जिसकी उम्मीद यहाँ पे फिलहाल मार्केट में किसी ने नहीं की थी, उस लेवल से यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और FY24 की जो ग्रोथ है वो 7.6% पे आती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे अगर खबर को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करें तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ साल दर साल Q3 में अगर आप देख रहे हैं एक्सपेक्टेशन से अच्छा नंबर यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्चुअल रेट जो आता हुआ दिख रहा है 8.4% का, और साथ ही साथ एंटीसिपेशन जो था वो था 6.6% का, तो उसके मुकाबले तो 1.8% एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। और प्रीवियस क्वार्टर में आंकड़ा 7.6% का था, तो उससे भी यहाँ पे जो नंबर है वो बहुत शानदार देखने मिले। और यहाँ अगर आप पूरी चीज देखेंगे तो FY24 की जो टोटल ग्रोथ है वो 7.6% पे देखने को मिल सकती है। अच्छी खबर यहाँ पे इस उम्मीद में है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट इस चीज की एंटिसिपेशन में नहीं था। कहीं ना कहीं जैसे ही ये डेटा आज आते हुए दिखाई दे रहा है, 29 फरवरी है, हर दूसरे महीने में, हर क्वार्टर के दूसरे महीने की आखिरी तारीख को जीडीपी के नंबर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, तो ये महीना 29 तारीख का है, तो 29 तारीख को आज यहाँ पे ये नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ग्रोथ बढ़ रही है तो क्या अब यहाँ पे आरबीआई रेट कट करेगा या नहीं करेगा, ये एक सवाल उठता है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रोथ बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी फास्टेस्ट मूड में चल रही है, और जिसका इम्पैक्ट सीधा सीधा आपने निफ्टी पे देखा है, और निफ्टी जिस तरीके से आज परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया। अभी अगर हम देख रहे हैं हमारे भारतीय बाजारों को, तो निफ्टी में 21,982 पे आज के दिन क्लोजिंग आते हुए दिखाई दी, 31 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ निफ्टी बंद हुआ। आखिरी आधे घंटे में हमने देखा एक जबरदस्त राइज जो था निफ्टी में आता हुआ दिखाई दिया, एवरेज क्लोजिंग जो है वो कहीं ना कहीं 21,982 के आसपास आते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम देखें एक महीने के अंदर में निफ्टी ने लगभग लगभग 1.3% का रिटर्न दिया, लगभग 285 पॉइंट जो है मार्केट ऊपर रहा है एक महीने में। पिछले अगर हम रेंज देख रहे हैं तो कहने के ऊपर 22,250 और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं 21,500, 21,600 की रेंज थी कहने के, और फाइनली यहाँ पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। 6 महीने में भी देखेंगे तो 6 महीने में जो रिटर्न आ रहे हैं वो बहुत ही शानदार है, 13% के रिटर्न जो है यहाँ पे मार्केट में आते हुए दिखाई दिए, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार कह जाएंगे। 2547 पॉइंट की तेजी जो है पिछले 6 महीने में निफ्टी ने दिखाई है। वही अगर हम बात करें साल भर के लिहाज से, तो एक साल में पिछले इस इंडेक्स ने 27% के आसपास का रिटर्न दिया, यानी 26.9% के आसपास का 4,660 पॉइंट की जो तेजी है पिछले एक साल में देखने को मिली है। कहीं ना कहीं 17,000 के आसपास से इंडेक्स बढ़ते बढ़ते लगभग 22,000 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार रनअप जो है निफ्टी ने दिखाया। तो क्या अब प्री इलेक्शन रैली जो है आपको मार्च के महीने से कल के दिन से देखने को मिलेगी? कल हफ्ते का आखिरी दिन है और कहीं ना कहीं आज के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट देखने को मिले। कल के दिन एक मार्केट में राइज शार्प फॉल देखने को मिला था, आज मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर थी लेकिन कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश की, पॉजिटिव क्लोजिंग जो है आज के दिन आते हुए दिखाई दी है। तो उम्मीद करके ये चलना चाहिए कि शायद अब आपको इस नंबर के दम पे कल एक बार मार्केट में अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिले। अगर ग्लोबल क्यू सपोर्ट करता है, FIIs की भी खरीदारी कहीं ना कहीं अगर सपोर्टिव रहे, तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट इलेक्शन तक आपको और अच्छे खासे नए लेवल ऊपर की तरफ दिखा सकता है। आपको क्या लगता है, प्री इलेक्शन रैली होगी नहीं होगी, और होगी तो इलेक्शन से पहले तक, प्री इलेक्शन से पहले, नतीजों से पहले किस नंबर तक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।